हेलो नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं तुला राशि के लिए लव लाइफ अक्टूबर 2021 में कैसी रहेगी। सो देखते हैं तुला राशि की आपकी लव लाइफ में अक्टूबर 2021 के अंदर क्या सब हो रहा है। आई नो अक्टूबर के कुछ दिन निकल गए हैं लेकिन लेट्स सी कि जो भी रिमेनिंग अक्टूबर है वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ कम एंड गाइड मी फॉर तुला राशि। तुला राशि वालों की लव लाइफ की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एनर्जीज। सन, एंजाइटी एंड सेवन चक्रा। ओके, सो प्रेजेंट एनर्जी जो है वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। विद दिस सन एनर्जी, सन आ गया तो वो इन सब पे हावी है। इंट्यूटिव हैं आप अपने लव लाइफ को लेकर के, हो सकता है बहुत पॉजिटिव साइकिल आपका लव लाइफ का भी रिसेंटली चला है। आपने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपने पर्सन के साथ बिताया है एंड आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने में आप में से काफ़ी लोग थोड़े से नर्वस भी हैं, थोड़ा सा डर भी है उन्हें। नो डाउट कि आपके पर्सन से आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ विद द सेवन चक्रा एंड एंजाइटी, क्योंकि सैक्रल चक्र आ रहा है यहाँ पे, कि बहुत प्रेयर्स चल रही हैं, बहुत डाउट्स भी आ रहे हैं मन में। कभी कभी डाउटफुल होता होगा, कुछ एक्शन से आपको लगता होगा कि ग्रोथ नहीं है इस रिश्ते में, या अगर फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ, इस पर्सन ने ऐसे नहीं किया तो क्या होगा, या फ्यूचर में अगर इस पर्सन ने, हो सकता है कोई सिचुएशन आई हो सामने एंड यू फील लाइक कि अगर आपके पार्टनर ने ऐसे रिएक्ट किया फ्यूचर में तो कैसे निभेगी, ये डर भी सता रहे हैं। प्लस अबंडेंस भी है, पॉजिटिविटी भी है एट प्रेजेंट, और इंट्यूटिव बहुत हैं। जब डर आते हैं तो वो पॉजिटिविटी जो है वो आपको ओवरकम कर देती है और आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी तक चीज़ें दिख रही है यहाँ, सेक्सुअल फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है अपने पर्सन के साथ, दैट इज़ वेरी गुड। तुला राशि, बहुत अच्छा समय आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया है डेफिनेटली। अक्टूबर के बाकी के महीने में क्या होगा तुला राशि की लव लाइफ के अंदर, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे है विमेन होल्डिंग ए हार्ट बॉटम एनर्जी, एंड कार्ड्स जो आए हैं फ्यूचर के लिए वो है केयरिंग कनेक्शन एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग। सो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है तुला राशि, डेफिनेटली ये एनजाइटी जो है वो ओवरकम हो जाएगी। अगर आपके बीच में कुछ लड़ाई भी हो गई छोटी मोटी, या आपको कोई डर भी सता रहा है, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको इतनी केयर और इतना अफेक्शन दिखाने वाले हैं अक्टूबर के महीने में कि आप हील हो जाएंगे, वो डर ख़त्म हो जाएंगे और हैप्पीनेस आ जाएगी। स्पेशली जो फीमेल हैं इस तुला राशि की, वो अपने पार्टनर को बहुत अफेक्शन और बहुत लव शो करने वाली हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे फैमिली से मिलवाते हुए भी कई लोगों के पार्टनर्स दिख रहे हैं कि आप लोग अपने पार्टनर को फैमिली से मिलवा रहे हैं एंड कुछ आगे बढ़ रहे हैं अपने रिश्ते में, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और देखते हैं मिनी टैरो डेक से कि आपके लिए आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी तुला राशि अक्टूबर 2021 के अंदर, आपकी लव लाइफ में और क्या सब हो सकता है, क्या इवेंट्स हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। तुला राशि वालों की लाइफ में अक्टूबर 2021 के अंदर लव लाइफ में क्या सब हो। किंग ऑफ कप्स, चैरियट, एम्परर, फाइव ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, Ten of Swords and Judgment. Okay. Yes, तो तुला राशि, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हैं
अपने रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या दोनों पार्टनर जो हैं वो हो सकता है कि मैरिज की कोई बात करें अक्टूबर में कि हमें शादी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना लव और अफेक्शन है, इतनी हीलिंग है, इतना पीस है रिलेशनशिप में कि आप लोग एक स्टेप आगे ले सकते हैं. कुछ लोगों के लिए, 30% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग कनेक्शन है आपका, बहुत लव और अफेक्शन है, लेकिन हो सकता है अक्टूबर के ही महीने में कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ चीज़ें आपके सामने, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाएं जिसमें कि, जैसे कि एनजाइटी भी था हमारे पास, जिससे कि आप डिसअपॉइंटेड हो जाएं कि पता नहीं ये रिश्ता आगे वर्कआउट करेगा या नहीं, या मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्योंकि आप उस रिश्ते में जो कमियाँ हैं उनकी तरफ देखने लग जाएंगे, जो चीज़ें हैं आपके पास, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इस रिश्ते के, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद आप, इसलिए डिसअपॉइंट हो सकते हैं, इसलिए पेन में जा सकते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको आके कंसोल कर लेंगे, या फिर ये आपकी हर्मिट आ रहा है यहाँ पे, ये आपकी मेच्योरिटी है कि आप जो भी कमियाँ हैं इस रिश्ते की उनको ओवरकम करके जो भी पॉजिटिविटी है उस तरफ आगे बढ़ेंगे. आप में से काफ़ी लोग इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाने का सोच रहे थे या छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन फिर से आएंगे, एक साथ आएंगे और एक लीड लेंगे इस रिलेशनशिप पे, हार्डवर्क करेंगे, इस रिश्ते को एक और मौका देंगे डेफिनेटली. विच इज चैरियट की आप आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, ठीक है, इस रिश्ते को एक कमिटमेंट तक लेके जाएंगे. फिर एम्परर एंड पेज ऑफ कप है, बार बार यही फीलिंग आ रही है कि तुला राशि की जो फीमेल है वो ऑफर दे रही है, जो मेल है वो थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं इस महीने रिलेशनशिप को निभाने में. ऑलराइट, नाउ देखते हैं राइडर टैरो डेक से भी कि क्या सब हो सकता है तुला राशि इस महीने आपकी लव लाइफ में. अक्टूबर 2021 तुला राशि वालों की लव लाइफ में क्या सब लेके आएगा, प्लीज गाइड कीजिए. ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, तो रिलेशनशिप इस महीने स्लो मूविंग रहेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, आप एक स्टेप आगे लेंगे आधा स्टेप पीछे चला जाएगा, सिचुएशंस की वजह से लड़ाई हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपका रिश्ता जो है वो ग्रोथ की तरफ ही जा रहा है, आगे ही बढ़ रहा है. डेविल, जैसा कि मैंने बोला भी, बहुत फिजिकल अटैचमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड हर्मिट अगेन, और आप लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए ना, बहुत समझदारी से इस रिश्ते को हैंडल करोगे, बहुत मेच्योरिटी से इस रिश्ते की कमियों को भी छुपा लोगे शायद. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, सो डेफिनेटली टाइम चेंज हो रहा है, आपके फेवर में आ रहा है. देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स आ ही गया, स्टकनेस थी, आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, डर था शादी की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी, लेकिन आप एक आगे मैरिज तक जो है इस रिश्ते को लेके जाएंगे, या अक्टूबर में शायद बात करेंगे कि हाँ हम इस रिश्ते को मैरिज तक लेके जाएं. एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, सो हो सकता है आपके पार्टनर भी जो हैं वो तुला, कुंभ या व्हाट एल्स, मिथुन राशि के हो सकते हैं, या मकर राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड कन्या राशि के भी हो सकते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए. तो ये पार्टनर जो है वो काफ़ी सोर्ड्स एनर्जी में है आपके भी, और आप भी जो है एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड रहेंगे, लड़ाई होने के बाद भी शायद वो फिजिकल अट्रैक्शन आपको एक दूसरे की तरफ पुल करेगा, एंड चीज़ें स्लो बढ़ेंगी क्योंकि बहुत क्लैरिटी के बाद जो है आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने हैंडमेड कार्ड से देखूंगी कि और इस रिश्ते में क्या सब हो सकता है, क्या चांसेस हैं अक्टूबर के महीने में आपकी लव लाइफ में होने के. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि. कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो यस, आप दोनों में कोई बहस हो सकती है कि कौन जीत रहा है, कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, जो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए. कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आ रहे हैं एक दूसरे से, शायद आपके विचार इस महीने नहीं मिले, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए. इंट्यूशन लिसन, जो कि आपके सेवन चक्रा भी आया है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए. एंड रिकॉग्निशन रिवार्ड एंड रीच आउट, इस रिश्ते को डेफिनेटली कोई ना कोई लेवल मिलने वाला है. लीड, हमारे पास एम्परर की एनर्जी भी आई थी,
वन मोर प्लीज, थैंक यू, ट्रांसफॉर्म रिलीज। ऑलराइट, तो आपका रिश्ता जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत सारे चेंजेस आप इस महीने फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ, और वो चेंजेस जो हैं उन चेंजेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर यस बोले, आप नो बोले, आप यस बोले, वो नो बोले, तो कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, कुछ आप लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ व्यूज नहीं मिलेंगे आपके, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, या आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, कमिटमेंट देंगे, अथॉरिटी लेंगे, लीड लेंगे इस रिश्ते में। आप जो भी तुला राशि के पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लीड लेने वाले हैं इस रिश्ते के अंदर, और आगे बढ़ के जो है इस रिश्ते में हार्डवर्क दिखाने वाले हैं कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, मुझे और आपको ये रिश्ता निभाना है, और हम इसे कैसे निभा सकते हैं। यहाँ जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 22, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 13, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। एक और चीज़ कहूँगी कि यहाँ पे 22 है, फिर ये 33 भी है, फिर 13 इज़ ऑल्सो 4 एंड 4, तो आपको यहाँ पे भी 44 है। 4 नंबर आप में से काफ़ी लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, 4 नंबर, एंड आपके आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या कोई और स्पेशल डे हो सकता है आपका 4। एंड आपको एंजल नंबर्स काफ़ी दिख रहे होंगे इस पर्टिकुलर अक्टूबर के अंदर, जैसे 444, 433, 222, 222, ठीक है, 2 नंबर, 5 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है, हर्मिट की भी एनर्जी रिपीट हुई है, 9 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। सो नाउ देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम अक्टूबर लास्ट तक क्या रहेगा। ओके, वी गॉट द कार्ड एंड वी हैव टू बी फेयर। सो डेफिनेटली यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है, आपको सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू का ख्याल नहीं रखना है रिश्ते में, आपको सामने वाले की एनर्जी को भी ध्यान में रखना है, और अपने रिश्ते में फेयर रहना है। मुझे लगता है आप फेयर रहेंगे, और ये रिश्ता जो है उसका आउटकम एज ए टू बी फेयर आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी आउटकम होगा वो अच्छा होगा, फेयर होगा, उसमें पार्शलिटी नहीं होगी, जिसकी गलती होगी वो माफ़ी मांगेगा, और रिश्ते को निभाने के लिए सामने वाला भी माफ़ करेगा, तो बहुत ही बैलेंस एनर्जी, बहुत ही फेयर एनर्जी इसमें रहेगी पर्टिकुलर आपकी लव लाइफ में। दैट इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग तुला राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय।